ग्रेनेड हमला हुआ था थोड़ी देर पहले, उन्हीं से बात। सर, ये जो ग्रेनेड हमला हुआ है, आपको बार बार ये सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या ये फैसला सही था जो सीज फायर का एक फैसला लिया गया था कि हाँ शांति बनाए रखेंगे और जो गलत रास्ते पर चल पड़ा है उसे कहीं ना कहीं वापस लौटने का एक मौका मिलेगा, लेकिन रास्ता तो फिर भी वही चल रहा है। देखिए, कोशिश थी और कोशिश है, और कहीं ना कहीं जैसे आज के अंदर मीडिया के अंदर बहुत सारी रिपोर्टें आई हैं कि कश्मीर घाटी के अंदर भी बहुत सारे इसके नतीजे अच्छे सामने आए हैं, और मेरे को लगता है कि उस सारी प्रक्रिया के बाद पाकिस्तान जो है ये फ्रस्ट्रेशन में है, डेस्पिरेशन में है, हताशा में है, निराशा में है, और उसके बाद उसने एक कायराना हरकत की है, चाहे वो बॉर्डर्स के ऊपर किया है। आप खुद पिछले दो दिनों से, तीन दिनों से लगातार बॉर्डर के उस बिल्कुल जीरो लाइन बॉर्डर के ऊपर खुद भी आपने जाके देखा है। नहीं सर, बॉर्डर देखिए बॉर्डर की अगर बात करें तो हमारे बीएसएफ के जवान, और एलओसी की बात करें तो हमारे सेना के जवान वहां पर माकूल जवाब दे रहे हैं उनका। बात यहां पे है कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है लोकल, जो हमारे यहाँ पे है, जो सीज फायर का जो वादा किया गया, जो ऐलान किया, ये उसी का एक, उसके खिलाफ एक ये देखने को मिल रहा है कि हाँ जो सख्ती करनी चाहिए थी उसमें ढील दी गई है, और उनके हौसले आतंकियों के बड़े हैं इस दौरान। नहीं देखिए, मेरे को ये लगता है कि जैसे आज सारे शाम को न्यूज़ चैनल के अंदर भी रिपोर्ट आई थी, दिल्ली के अंदर चाहे जितने भी हमारे नेशनल न्यूज़ चैनल के अंदर डिबेट्स हो रही थी, मैं देख रहा था, तो उनके अंदर एक एनालिसिस किया गया कि इससे कहीं ना कहीं जो वो लोग जो पाकिस्तान का झंडा लेके घूमते थे, जो जिनकी जुबान पर पाकिस्तान रहता था, जो खाते हिंदुस्तान का हैं, जिनके दिल में पाकिस्तान है, उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन डेस्पिरेशन आ गई। किस चीज़ उनको की? लगा कि कहीं ना कहीं जो यूथ, जिस नौजवान को आप मेन स्ट्रीम से हटा के आतंकवाद और अलगाववाद की ओर ले जाना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें वो कामयाब नहीं हो रहे थे, और इस प्रकार के कायराना हरकत के अंदर वो इंडल्ज होने की उनकी एक हताशा है। लेकिन वे बचेंगे नहीं, और जो भी साजिश करता है, आज भी इस प्रकार के एलिमेंट्स जो हैं, जो खून खराबा और ये जो बर्बादी की कगार पर जाएंगे, वो खुद बुरी। राणा साहब, आपको लगता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की यहाँ पे जो जांच एजेंसियों ने कहा था कि आतंकी हमला हो सकता है, और फिर इस तरह का हमला होना, ये नाकामी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे आप? मैं तो भगवान और ऊपर वाले का और सुरक्षा एजेंसियों का, कम से कम उन्होंने इतना इनपुट्स निकाले, और ये जो बहुत बड़ी वारदात भी हो सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो कायरता और डर, और मैं कहूँगा एक कावर्डनेस है उन सब की, और वो मैं उनका फेलियर मानता हूँ, वो कायरता उनकी। और हमारे जो बहादुर पुलिस के जवान हैं, आर्मी के जवान हैं, बीएसएफ के, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, उनकी बहादुरी है, और ये आतंकवादियों की और पाकिस्तानियों की कायरता है, बुजदली है। आतंकी तो अपने मंसूबे में तो कामयाब हो रहे ना सर? नहीं, वो फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन। नहीं, आपको लगता है कि ये फैसला अब वापस लेने का मौका आ गया कि हाँ जिनके लिए आप अच्छाई का काम कर रहे हैं वो जब अच्छाई को समझते नहीं है, तो फिर इस पाक मुकद्दस में जो महीना चल रहा है, कि ये फैसला वापस लिया जाएगा? मैं आपकी बात से सहमत हूँ, अगर नहीं समझेंगे तो उनको उनको समझाना चाहिए, और तरीके से समझाना चाहिए जिस भाषा को समझते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो रविंदर रैना का कहना था कि जो सीज फायर का जो ऐलान किया गया था वो बेहतरी के लिए किया गया था, लेकिन अगर इस ऐलान के बाद भी आतंकी सही रास्ते पर नहीं आते, और जो लोग गुमराह हो रहे हैं वो अगर सही रास्ते पर नहीं आते, तो उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। कैमरामैन विकास के साथ ललित खजूरिया, जम्मू लिंक्स न्यूज़ के लिए बस स्टैंड से।